हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 11 बज चुके हैं, मेरी चाय हो चुकी है, नाश्ता भी हो चुका है। हस्बैंड नाश्ता किए हैं और चले गए वो अपने काम पे, और बड़ा वाला बेटा अभी तक सो ही रहा है। उसको उठा रही हूँ पर उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोते हैं हम लोग, वो भी जगता रहता है वो छोटे वाले बाबू की वजह से। और मैं बार बार क्यों नीचे देख रही हूँ, क्योंकि ये देखिए बाबू बैठा हुआ है यहाँ, और मुझे लग रहा है कहीं इधर उधर कुछ गिरा उड़ा न ले, इसलिए बार बार उसके तरफ देख रही हूँ। तो ये जग गया है सुबह के 9 ही बजे, और बड़ा वाला बेटा अभी तक सो रहा है। अभी इसका सोने का टाइम हो रहा है तो वो उठ जाएगा। तो मैं जा रही हूँ खाना पकाने, खाना पका लेती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो खाना वाना बन चुका है, हस्बैंड खा के फिर चले गए हैं काम पर, और छोटा वाला बाबू को नहला के सुला दिए हैं। और मैं तो अभी नहीं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे बालों में कुछ लगाना, बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं मेरे बाल, तो मैं कुछ लगा लेती हूँ बालों में ताकि कुछ मतलब रुक जाए बाल, इतना ना झड़े। तो आप देख सकते हैं क्या लगाने जा रहे हैं। तो मैं बालों पे लगा लेती हूँ, और इसको अच्छे से सुखाना पड़ता है। शाम तक सूखेगा तब जाके फिर नहाऊंगी शाम को। और मैंने बाल पे क्या लगाई है ये इसलिए नहीं बताई हूँ कि आप लोग जब कमेंट करेंगे, आप लोग कभी बाल झड़ रहा होगा किसी का, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए तो मैं बताऊंगी टिप्स। तो आप भी वो यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बाल झड़ना रुक जाएगा और लंबा हो जाएगा, देख सकते हैं। तो मैं लगा ली हूँ, और आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ बालों के लिए। और यहाँ मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, शाम के 4:30 बज चुके हैं। तो अभी तक मेरे बाल सूखे नहीं थे, कुछ लगाई थी तो उसमें बाल सूख ही नहीं पाए थे, तो अब भी सूखे, तो जाके नहाई हूँ और नहा के आ गई हूँ। और अभी काम सारा बाकी है, दोपहर में कुछ काम ही नहीं करती क्योंकि धूप का टाइम रहता है तो बहुत धूप लगता है, तो हालांकि अंदर ही करना पड़ता है, फिर भी धूप का टाइम रहता है तो आलस लगता है थोड़ा सा। तो अभी जा रही हूँ बर्तन वर्तन साफ़ करती हूँ, बाबू भी सो गया है अभी, उसको सुला दी हूँ और जाती हूँ काम कर लेती हूँ। और दोनों तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिए, क्योंकि मेरे रूम पे डायरेक्ट धूप आता है अंदर, तो दरवाज़ा पर्दा सब बंद है। तो सारे काम मेरे हो चुके हैं, शाम के 6:10 हो गए हैं, और अभी तक धूप इतनी कड़क है कि बाहर ही नहीं निकलने का मन कर रहा है। और बाबू छोटा वाला अभी तक सो रहा है, तो कुछ देर में अगर उठता है तो उसको ले जाती हूँ घुमाने के लिए थोड़ा सा। तो हम यहाँ आइसक्रीम खाने आए हैं, ऐसे ही जस्ट मूड चेंज हुआ, रूम पे बैठे थे, बोर हो रहे थे, तो आर्यन बोला चलो मम्मा आइसक्रीम खा के आते, तो रूम के बाजू में ही है, तो हम लोग सोचे कि चलो ही खा ही लेते हैं, एक ही दो किलोमीटर होगा, तो हम लोग सोचे थोड़ा सा घूम भी लेंगे, मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आइसक्रीम भी खा के आ गए। हम यहाँ आइसक्रीम खाने आए हैं, तो हम लोग आइसक्रीम खा चुके हैं, अब जाते हैं रूम। तो यहाँ मेरा खाना बनना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, ये देखिए। तो खाना बन रहा है, और ज़्यादा करके क्लिप क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बाहर कुछ चालू है, क्या बोलते हैं उसको, कीर्तन कुछ तो चालू है, तो बहुत हल्ला हो रहा है, इसलिए क्लिप नहीं ले पा रही हूँ ज़्यादा करके। तो हम लोग का खाना वाना हो चुका है, और छोटा वाला बाबू आज जल्दी सो गया है, क्या पता क्यों, थका हुआ था शायद। और बड़ा वाला बच्चा आर्यन अब भी आ रहा है घूम के। सबका खाना वाना हो चुका है, अब जाते हैं सोने के लिए। और बालों में मैंने ऑयलिंग कर ली अभी, इसलिए थोड़ा सा चिपकी चिपकी दिख रहा होगा बाल। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।